इंडिया में पॉपुलर कंपनियों की वैल्यू फॉर मनी एसयूवी गाड़ी कौन सी? तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कंपनी वाइज। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। वॉक्सवैगन। इस कंपनी की जो वैल्यू फॉर मनी एसयूवी गाड़ी है वॉक्सवैगन टी-रॉक है। वो 5-सीटर गाड़ी है और ये बड़ी और बेहतरीन एसयूवी गाड़ी है। इसमें आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है कैबिन में और इंटीरियर भी काफ़ी खूबसूरत है। गाड़ी के जो इंजन की बात करें पेट्रोल इंजन मिलता है और गाड़ी का इंटीरियर भी काफ़ी बेहतरीन है। गाड़ी में जो इंजन मिलता है पेट्रोल में और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और गाड़ी का माइलेज 18.4 KMPL का। ये गाड़ी एक ही वेरियंट के साथ इंडिया में मिलती है और एक शोरूम कीमत 21,35,000 रुपये की। किया। किया कंपनी की जो वैल्यू फॉर मनी एसयूवी गाड़ी है वो सेल्टोस है। वो 5-सीटर गाड़ी और बेहतरीन और बड़ी एसयूवी गाड़ी है। ये लॉन्च होने के टाइम पर काफ़ी पॉपुलर हो गई थी और अच्छी खासी सेल्स हो जाती है इंडिया में इसकी। ये गाड़ी डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों के ऑप्शन में और दोनों ही ट्रांसमिशन के ऑप्शन में। इसमें जो पेट्रोल इंजन मिल 1.4 और 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और गाड़ी का माइलेज 16 से लेकर 18.4 KMPL का। ये तो पेट्रोल वाले का हो गया। और डीजल में मिलता है 1.5 लीटर डीजल इंजन जिसका माइलेज है 20.8 KMPL का। गाड़ी में 19 वेरिएंट का ऑप्शन मिलता है और गाड़ी की जो कीमत है 9,89,000 से शुरू होती है। MG कंपनी की वैल्यू फॉर मनी एसयूवी गाड़ी MG हेक्टर है। ये 5-सीटर एसयूवी गाड़ी है और काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है MG कंपनी की ओर से। इस गाड़ी की सेल्स भी काफ़ी ठीक ठाक हो जाती है और आपको इसमें काफ़ी सारे बेहतरीन फीचर्स मिल जाते हैं और गाड़ी का इंटीरियर भी काफ़ी लाजवाब है और गाड़ी में स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिलता है। ये गाड़ी डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों के ऑप्शन में और दोनों ही ट्रांसमिशन के ऑप्शन में। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जिसका माइलेज है 13 KMPL का और 2 लीटर डीजल इंजन जिसका माइलेज है 15 KMPL का। गाड़ी में 13 वेरियंट का ऑप्शन मिलता है और गाड़ी की एक शोरूम कीमत 13,17,000 से शुरू होती है। निसान कंपनी की वैल्यू फॉर मनी कार एक ही है, निसान मैगनाइट। ये 5-सीटर एसयूवी गाड़ी है और गाड़ी को अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च करा गया है। वो गाड़ी ठीक ठाक बिक जाती है इंडिया में और काफ़ी सारे फीचर्स गाड़ी में मिल जाते हैं जैसे आपको महंगी गाड़ियों में मिलते हैं, जैसे 360 डिग्री कैमरा। इतना ही नहीं इसका इंटीरियर भी काफ़ी खूबसूरत है और गाड़ी में पेट्रोल इंजन मिलता है ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन के साथ। इसमें 1 लीटर पेट्रोल इंजन जिसका माइलेज 18.75 KMPL का और दूसरा भी पेट्रोल का 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जिसका माइलेज 20 KMPL का। गाड़ी 20 वेरिएंट के साथ इंडिया में मिलती है और गाड़ी की कीमत 5,59,000 से शुरू होती है। फोर्ड कंपनी की वैल्यू फॉर मनी गाड़ी जो है वो फोर्ड इकोस्पोर्ट है, जो 5-सीटर गाड़ी है और बेहतरीन एसयूवी गाड़ी है और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ऊंचा है और गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी अच्छा और स्पेस भी गाड़ी में काफ़ी मिल जाता है। ये गाड़ी डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों के ऑप्शन में, ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन में। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जिसका माइलेज 16 KMPL का और 1.5 लीटर का ही डीजल इंजन मिलता है जिसका माइलेज 22 KMPL का। गाड़ी में 11 वेरिएंट का ऑप्शन मिलता है और एक शोरूम कीमत 8,19,000 से शुरू होती है। रेनो कंपनी की जो पैसा वसूल गाड़ी है वो काइजर है। ये 5-सीटर गाड़ी है और गाड़ी अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुई है। इसकी लुकिंग काफ़ी बेहतरीन है रेनो कंपनी की है। काफ़ी अच्छी एसयूवी गाड़ी है और पेट्रोल इंजन में मिलती है ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन के साथ। इसमें 1 लीटर पेट्रोल इंजन जिसका माइलेज 18.75 KMPL का और दूसरा 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जिसका माइलेज 20 KMPL का। गाड़ी में 24 वेरिएंट का ऑप्शन मिलता है और एक शोरूम कीमत 5,45,000 से शुरू होती है। महिंद्रा कंपनी की पैसा वसूल जो गाड़ी है वो बोलेरो है। ये 7-सीटर गाड़ी है और काफ़ी पुरानी एसयूवी गाड़ी है और काफ़ी लोग इस गाड़ी को ख़रीदते हैं और इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में ये सेल वैल्यू। और गाड़ी डीजल इंजन में मिलती है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन जिसका माइलेज 21 KMPL का और गाड़ी में 3 वेरिएंट का ऑप्शन मिलता है और गाड़ी की एक शोरूम कीमत 8,17,000 से शुरू होती है। टाटा कंपनी की पैसा वसूल एसयूवी गाड़ी नेक्सोन है। ये 5-सीटर गाड़ी है और काफ़ी सेफ है
और ये गाड़ी काफ़ी सेफ SUV गाड़ी है और गाड़ी की लुकिंग भी काफ़ी लाजवाब है और इंटीरियर भी खूबसूरत है और गाड़ी में स्पेस भी काफ़ी मिलता है। गाड़ी डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों के ऑप्शन में, ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन के साथ। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जिसका माइलेज 16 KMPL का और 1.5 लीटर डीजल इंजन जिसका माइलेज 22 KMPL का। गाड़ी में 36 वेरिएंट का ऑप्शन मिलता है और एक शोरूम कीमत 7,09,000 से शुरू होती है। हुंडई कंपनी की जो पैसा वसूल SUV गाड़ी है वो क्रेटा है। क्रेटा बड़ी 5-सीटर SUV गाड़ी है और बेहतरीन है। इसकी लुकिंग भी काफ़ी लाजवाब है और इंटीरियर भी खूबसूरत है और स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। गाड़ी डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों के ऑप्शन में, ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन में। इसमें 1.4 और 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जिसका माइलेज 16 से लेकर 17 KMPL तक और 1.5 लीटर डीजल इंजन जिसका माइलेज 21.4 KMPL का। और गाड़ी 19 वेरिएंट के साथ इंडिया में मिलती है और गाड़ी की एक शोरूम कीमत 9,99,000 से शुरू होती है। मारुति कंपनी की वैल्यू फॉर मनी SUV गाड़ी विटारा ब्रेजा है। वैसे इस कंपनी के एस्क्रोस भी काफ़ी बेहतरीन है, वो बिकती नहीं है, ये उससे ज़्यादा है बिकने में। और वैल्यू फॉर मनी SUV गाड़ी यही है ब्रेजा। 5-सीटर गाड़ी है और काफ़ी पॉपुलर है और वैल्यू फॉर मनी SUV गाड़ी है इंडिया की और काफ़ी पॉपुलर भी है लॉन्च होने के टाइम से ही। ये गाड़ी सिर्फ अब पेट्रोल इंजन में मिलती है, ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन के साथ। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जिसका माइलेज 17 KMPL का। गाड़ी में 9 वेरिएंट का ऑप्शन मिलता है और एक शोरूम कीमत 7,49,000 से शुरू होती है और 11,20,000 तक जाती है। तो मैंने आपको 10 कंपनी की 10 वो कारें बताई हैं जो वैल्यू फॉर मनी SUV गाड़ी हैं। आपको इनमें से सबसे बेहतरीन या किस कंपनी की कौन सी कार सबसे वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, मैं उस गाड़ी का नाम बताइए।